नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा का सच। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुनहरी। मैम कब से जुड़े हो आप डेरे से? 40 साल हो गए बेटा। 40 साल आपको हो गए डेरे से जुड़े हुए। आप यहाँ आते हो? आज मेरी 50-60 साल की उम्र होगी जी। आते हो मैम यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर रोज आवा। कैसा माहौल देखा है? मोला घाटा ही नहीं, सीधी सा मोल नहीं, कितने भी मिलता नहीं, कितने जी नहीं लगता। यहाँ जी लगा है या तंदुरुस्ती मिला है या बहुत सस्ती मिलती है, बहुत गणी यहाँ, बहुत गणा जी लग रहा है यहाँ। में ना एक दिन ना आवे दे जी लगता, घर में नहीं जी लगता, नहीं होते खाऊ पानू बगले यहाँ रवा ही ना। और यहाँ आके ना बहुत बड़ी टिकाई हुआ है। आपकी बहन बेटियाँ आती हैं? सारी बहन बेटियाँ ना 5-5 साल क्या ना मैंने नाम दुआया था। 4 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, सारा था सऊ बच्चा था, 5-5 साल का नाम दुआ था। तो यहाँ सुरक्षित हैं वो? ओ, ये जुड़ रहे हैं। वो घर बार सारा छोड़ के कत्थर के एरिए में रहने वाले थे, वहाँ छोड़ के घर बार यहाँ बैठे हैं। यहाँ कर लिया हमने मकाम, यहाँ दे दिया मालिक ने, इसकी दया मेहर तो हमने यहाँ मकाम जोड़ दिया, मालिक ने करवाया, हमें कर नहीं सके थे। दाता की दया मेहर था, हमारे पर तो इतनी किस्में इसलिए नहीं करे हैं, वो गह नहीं सकते हमें, इतनी दया मेरे रहमत करी है, मरे हुए जीवाए हैं मेरे बच्चे। कितना विश्वास करते हो आप? विश्वास का तो घाटा ही नहीं बेटा, विश्वास इतना है बहुत गणा मालक। मैंने कहूँ ये बिता दी सरकार ने भी, मैं बार बार याया जोड़ू भाई माँ बाप जो है वही विश्वास करो तो हमने तंदुरुस्ती कितनी मिलेगी। और इसके अगला पंगा ना ले, अपने यहाँ क्यों कुली का नाश हो जाएगा तारा, जे इतना करोगे नहीं कुली का नाश हो जाएगा, दे बैठे हो गए सब कुछ। और इसके अगला पंगा ना ले, ये भी कहूँ मारा जोड़ गए ना मारे पिताजी ने, छोड़ दो मारे बीच मार दो बस, या हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा हाँ। और ये भी रहने दो, क्यों आगे पंगा लेगे तो दुख पाओगे, सारे की गोला मेट करवा लोगे और कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें तो तंगसाएँ फिर तो हमें देख लियो तो हम तो राल के हो जाएगा फिर। ये भी कहो हाँ हाथ जोड़ के हम तो यह माफ़ी मांगा हाँ भाई सरकार, भाई बहन जो भी हो तुम्हें आके ना, और आके छोड़ो देखो भाई मारा के हाल है। और किस जाना हमें माँ बना, हमें बच्चा तड़फ रहा नहीं, हमें इतने तड़फ रहे हैं, इतने तड़फ रहे हैं बहुत गणे, इसमें ना हमारा कोई नहीं है। समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए बेटा घाटा ही कौन है, जितनी यहाँ में बच्चा ना छोड़ देंगे उगाड़े डके उड़ा रह जाते, ऐसे कैसे बच्चे मेरे पास देंगे। बाहर की मना इतनी तसल्ली नहीं है, बाहर से कोई मेरा माँ बाप तो कोई भी हो, मन कोई किसी की तसल्ली नहीं, मन यारी की बहुत बड़ी तसल्ली है। जवान कुआरे बच्चे सारे में यहाँ आए, 5-5 साल के ना नाम दुआ था, सऊ बच्चा ने सारे यहाँ ही पड़े हैं, यहाँ रहन लग रहे हैं और इसे तीत काम करने लग रहे हैं, चल रहे हैं अपने सब गाड़ियाँ के सारे काम, फिर लेके इसमें जी नहीं लग रहा, इसमें पागल हो जाना हमें सारे सारा परिवार। मैम संत जी ने इतना समाज के लिए किया है, फिर उन पर इतने आरोप क्यों क्यों बदनाम किया जा रहा है उनको? बस दुनिया के डिक्का का डिक्का लग रहा है, कमीशन खावा है, कमीशन खावा आगे आगे बदनाम करा है, उनकी आगे आगे कमीशन खावा है, बदनाम करा है आप पासा लिख रहे हैं, ले हैं कमीशन के मारे लोटा के मारी दुनिया हंडा गू खी धक्के खाती जी। हाँ सरकार से क्या करोगे? सरकार ने रोप आँख मीच रही है, सरकार की आँखें पट्टी बंद रखी है, उन्हें इन्हों नहीं शर्म आती भाई, जाके देखो भाई के हाल है, बच्चों का के हाल है, के संगत का हाल हो रहा है, इसमें हमें आंदे हुए आंड लग रहे हैं बेटा, इसमें कोई हमारा कुछ नहीं है। हमें यह चाह रहे हैं हमारे बीच माँ हमारे पिताजी ने हमारे बीच मान दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका यही कहना है कि 30-30, 40-40 सालों से वो हमारे साथ जुड़े हैं, डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि और आज भी आते हैं वो डेरा सच्चा सौदा। मेरी 50 साल की 60 वर्ष की हो गई और यही धन आ गए हमने देख जाना, और इतनी कमी नहीं पाई, इतनी भी कमी नहीं पाई पाते हैं, यहाँ पर अकेला भेज सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज के कलयुग के समय में वो अपनी लड़कियों को ऐसे अकेला छोड़ दे, वो भी किसी जगह पर पूरी पूरी रात के लिए या फिर हफ्ते महीने के लिए, उसके बाद भी उनकी लड़कियाँ उनको सुरक्षित मिले और उनकी लड़कियों का जो जज्बा है वो भी वैसा ही हो जैसे उनकी माँ बाप का उनको अकेले भेज के होता है। तो इतना बड़ा भरोसा होने का बहुत बड़ा कारण है कि संत जी ने यहाँ पर लड़कियों की बहुत सुरक्षा दी हुई, साथ ही जो व्यवस्था दी हुई थी वो भी बहुत अच्छी दी थी। यह है डेरा सच्चा सौदा का असली सच। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत